डियर स्टूडेंट्स, इन आर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट ऑपरेशंस ऑन सेट, जहाँ पर हमने डिफरेंट कैटेगरीज के ऑपरेशंस देखे थे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में वील डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, कि सेट्स पे कैसे हम लोग एल्जेब्रा के लॉज लगा सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ सेज, इट इज़ कॉल्ड आइडमपोटेंट लॉ। आइडमपोटेंट लॉ क्या बोलता है कि अगर ए यूनियन ए करें तो विल गेट ए, एंड ए इंटरसेक्शन ए करें तो अगेन विल गेट ए। मतलब ए को ए के साथ यूनियन करेंगे तो भी ए ही बनेगा, और ए को ए के साथ कॉमन लेंगे तो भी ए ही बनेगा। अगर हम डायग्राम को दिमाग में रखेंगे तो ईजिली वी कैन अंडरस्टैंड इट। सेकेंड लॉ, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए, एंड ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। मतलब ए को फाई के साथ अगर आप यूनियन करते हैं तो फाई तो वैसे भी नल एलिमेंट होता है, खाली होता है, तो ए को यूनियन कर रहे हैं किसी खाली के साथ तो ऑब्वियसली ए ही निकलेगा। और ए को अगर यूनिवर्सल सेट में से कॉमन ले रहे हैं, मतलब ए और यूनिवर्सल सेट का कॉमन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट वुड बी ए। डायग्राम दिमाग में रखिए, इट इज़ क्वाइट ईजी। थर्ड वन इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलेगा कि ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब चाहे आप यूनियन लें चाहे आप इंटरसेक्शन लें, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ए और बी में यूनियन ले लें या फिर बी और ए में यूनियन ले लें, आएंगे तो वो दोनों का मर्जअप ही, दोनों के सारे एलिमेंट ही। तो इसका मतलब क्या होगा कि कम्यूटेटिव लॉ जो होगा वो इसमें फॉलो होगा। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास तीन सेट्स हैं ए बी और सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मेरे बोलने के तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर तीन सेट हैं तो किन्हीं दो को पहले लेके आप यूनियन ले लीजिए, उसको बाद वाले के साथ यूनियन कीजिए, इट वुड बी सेम विद यूनियन ऑफ लास्ट टू विद यूनियन ऑफ फर्स्ट वन। ऐसे ही सेम ये इंटरसेक्शन पे भी एप्लीकेबल होगा कि ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी वुड इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो आई होप दिस इज क्लियर। बेसिक जो एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ होता है उसी पे सेट्स भी वर्क कर रहे हैं। फिफ्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलेगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए को आप यूनियन कर रहे हैं किसके साथ, बी और सी के कॉमन पोर्शन के साथ, तो इट वुड बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मतलब इसको अगर हमको ऑरली याद रखना है तो ऑरली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेना है तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन है उसको तो लगा दो बाहर, मतलब बीच में, और जो ब्रैकेट के बाहर वाला साइन है उसको दोनों एलिमेंट के साथ वन बाय वन लगा दो। जैसे बाहर वाला जो साइन था वो क्या था, यूनियन का, तो उसको ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट के साथ यूनियन कर दो, तो ए यूनियन बी भी कर दो, ए यूनियन सी भी कर दो, और इन दोनों के बीच में क्या लगाना है साइन, वो साइन लगाना है जो कि ब्रैकेट के अंदर लगा हुआ है, दैट इज ऑफ इंटरसेक्शन साइन। इसी जुगाड़ से अगर अपन सेकंड वाला समझे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आप समझना बाहर वाले साइन को तो क्या करना है, दोनों अंदर वाले एलिमेंट के साथ लगाना है, तो इट वुड बी ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में क्या लगेगा उन दोनों के, ये जो ब्रैकेट के बीच वाला साइन है दैट इज ऑफ यूनियन साइन, तो इट वुड बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिक्स्थ लॉ इज डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, ये जितने भी लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनमें से किसी को समझने में डाउट है तो आप वेन डायग्राम बना सकते हैं, वेन डायग्राम से बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे। जैसे डी मॉर्गन्स लॉ को हम लोग वेन डायग्राम से भी समझेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर अगर हम साइन चेंज करके पढ़ें कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इट वुड बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर डी मॉर्गन्स लॉ के LHS में यूनियन है तो RHS में इंटरसेक्शन आएगा, और LHS में इंटरसेक्शन है तो RHS में यूनियन आएगा, और जो कॉम्प्लीमेंट ओवरऑल बाहर लगा हुआ है वो RHS में आके दोनों एलिमेंट पे इंडिविजुअली लग जाएगा। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। कैसे इसको प्रूव करें, तो देखो LHS समझो, LHS में क्या बोल रखा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी कंसीडर करें, तो यही होता है ए यूनियन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट के बाहर, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर और इस ए यूनियन बी के बाहर, तो यही बनेगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब इसका RHS देखो, RHS में क्या बोला, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन,
ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए से बाहर वाला रीजन, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी से बाहर वाला रीजन, और इन दोनों का कॉमन देखो, अगर इन दोनों को मर्ज करके बनाएंगे तो इन दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन हो जाएगा इन दोनों के बाहर वाला रीजन। तो इन दोनों के बाहर वाला रीजन तो वही था जो ऊपर ए यूनियन बी का डैश आ रहा था। अगर इन दोनों डायग्राम को ढंग से देखो तो बोथ आर सेम, और अगर बोथ आर सेम इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। याद रखने की जुगाड़ मैंने आपको बताई है क्या, कि LHS को देखो ए यूनियन बी का डैश है, तो जो डैश है वो RHS में दोनों कॉम्प्लीमेंट पे इंडिविजुअली लगेगा, और जो यूनियन का साइन बीच में लगा हुआ है वो बाहर जाके इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। ऐसे ही अगर अपन देखें तो सेकंड वाले में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट था, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट साइन है दोनों पे इंडिविजुअली लगेगा और इंटरसेक्शन जो है इट विल बिकम यूनियन। सो आई होप दिस इज क्लियर। और वेन डायग्राम भी इसको यहाँ पर पोज करके आप बना के देख सकते हैं। सेवंथ रूल का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, जस्ट इसको समझेंगे कि ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, एंड बी माइनस ए इज बी इंटरसेक्शन ए डैश। कैसे हुआ, क्वाइट सिंपल, ए माइनस बी बनाए तो ए माइनस बी हमने बना के देखा था कि ए में से बी हटा दो, ये बन गया ए माइनस बी। अच्छा, ए और बी डैश का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बनाए, तो देखो क्या है कि ए में कॉमन लेना है बी डैश का, तो बी डैश क्या होता है, तो बी डैश तो बी के पूरा बाहर, और बी डैश बी के पूरे बाहर में कॉमन लेना है अपने को ए को, तो ए और बी डैश में कॉमन क्या आएगा, ये जो पोर्शन ए के अंदर आ रहा है वही तो आएगा। देखो समझो, बी क्या होगा, बी तो अंदर वाला एलिमेंट है, बी डैश क्या हो जाएगा कि बी को हटा दो बाकी सब, और उसमें से ए को कॉमन लेना है, तो ए को कॉमन कौन सा वाला पोर्शन आएगा, ये जो लेफ्ट में पोर्शन है यही आएगा। सो इट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पर डायरेक्टली याद रखना है कि ए माइनस बी क्या होता है, कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, और बी माइनस ए क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए डैश। मतलब क्वेश्चन में हमको ए इंटरसेक्शन बी डैश भी दे रखा होता है, तो हमको उसको ए माइनस बी भी कंसिडर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज ए माइनस बी का यूनियन अगर आप बी के साथ करोगे तो यू वुड गेट ए यूनियन बी। कैसे, समझो ए माइनस बी क्या था, ये रहा ए माइनस बी, इसका यूनियन करना है बी के साथ, मतलब इसमें अपने को ऐड कर देना है बी के सारे एलिमेंट। जैसे बी के सारे एलिमेंट ऐड करोगे यू वुड गेट ए यूनियन बी, साफ साफ दिख रहा है, इजी है। ऐसे ही ए माइनस बी के साथ अगर आप कॉमन लोगे बी को तो इट वुड बी फाइव, बड़ा सिंपल है। ए माइनस बी तो ये दिख रहा है और बी ये दिख रहा है, अब अच्छा इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, नहीं है, तो आंसर वुड बी फाइव। तो क्या रूल बना कि ए माइनस बी में अगर बी जोड़ोगे तो यू वुड गेट ए इंटर ए यूनियन बी, और ए माइनस बी में अगर आप बी को कॉमन लोगे तो यू वुड गेट अ फाइव। नेक्स्ट, अगर तीन सेट ए बी सी हैं तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी वुड इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। समझते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले तो बी इंटरसेक्शन सी देखो, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन पोर्शन क्या है, ये वाला जो मैंने बता रखा है, ये है बी और सी का कॉमन। अब इसको क्या करना है, इसको हटा देना है ए में से, क्योंकि लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए जो है उसमें से हटा दो बी और सी के कॉमन को। तो देखो ए में बी और सी का कॉमन कितना पोर्शन आ रहा है, बस इतना सा ही कॉमन पोर्शन आ रहा है, तो जब इसको हटा दूंगा तो ये डायग्राम बनेगा फाइनली, कि ए में से हटा दो बी और सी का कॉमन, तो LHS तो बन गया अपना पूरा। अब RHS पे आते हैं, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, तो ए माइनस बी बनाते हैं, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए में से बी हटा दो, तो देखो ए में से बी हटाया मैंने, सी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ए माइनस बी देख रहे हैं। फिर ए माइनस सी देखो, ए माइनस सी क्या होगा, ए में से सी को हटा दो, तो ए में जो सी की बाउंड्री है उसको हटा दिया, तो वो ऊपर वाला पोर्शन आ गया। अब इसने क्या बोला, इन दोनों का यूनियन करो, तो पहले यहीं करके देख लो यूनियन, यूनियन करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, सबका मर्जब। तो देखो जो प्योर ए है वो तो दोनों में आ रहा है, प्योर ए दोनों में आ रहा है, और जो ए और सी का कॉमन पोर्शन है और जो बी और ए का कॉमन पोर्शन है वो भी मर्ज हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, जिसमें ये जो तीनों का कॉमन पोर्शन है ये हट जाएगा बस, मतलब ए में से तीनों का कॉमन पोर्शन हट जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आएगा क्या, ये फाइनल आएगा RHS। अब देखो इसमें अपन ने क्या करा था कि इस ए में से हटा दिया था तीनों का कॉमन पोर्शन, तो बोथ आर इक्वल LHS एंड RHS। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, LHS का डायग्राम बनाओ, बना सकते हैं वेन डायग्राम आसानी से, RHS वन बाय वन ए माइनस बी ए माइनस सी बनाओ पेन और पेंसिल से, और दोनों को मर्ज करके देखो, यू विल गेट LHS इक्वल्स टू RHS। तो इसी तरीके से हम सारे रूल्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे टेंथ वाला देख लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी, अब इसको मैं बार बार जस्टिफाई करके नहीं बताऊंगा, ये दोनों तीनों आप खुद से कर लेंगे, मैं तो सिर्फ याद रखने की ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर ए माइनस बी यूनियन सी दे रखा है तो आप कुछ मत करो, बाहर वाले साइन को दोनों एलिमेंट के साथ लगा दो तो वो बन जाएगा ए माइनस बी और ए माइनस सी, और अंदर वाले साइन को पलट दो, तो अंदर वाले साइन को पलटा तो यूनियन वुड बिकम इंटरसेक्शन। कैसे होगा, तो जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया था वैसा का वैसे आप करके देखिएगा सॉल्व,
आ जाएगा, इससे मिलता जुलता एक अपन ने सॉल्व किया भी था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। देखो ये जो ऊपर वाला है ना, इससे सिर्फ एक ही फर्क पड़ा है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन था, यहाँ पर यूनियन हो गया, तो बोथ आर सेम। सेम लॉजिक से अपन टेंथ वाला सॉल्व कर सकते हैं। इलेवंथ देखो, इलेवंथ में क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ये तो बड़ा सिंपल है, इंटरसेक्शन का साइन बाहर है तो बाहर वाला तो एज इट इज चिपक जाता है दोनों एलिमेंट के साथ, ये तो हर बार अपन कर ही रहे हैं, तो ये भी क्या चिपक जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, और अंदर वाला साइन एज इट इज बाहर लिख दो इसमें। तो अंदर वाला साइन क्या था, माइनस का, उसको हमने दोनों के बीच में माइनस लगा दिया। और सेम रूल लग जाएगा ट्वेल्थ में कि ए इंटरसेक्शन बी डेल सी, बी डेल सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डेल ए इंटरसेक्शन सी। तो नीचे वाले रूल तो वैसे बहुत कम काम आते हैं, बट हमको इनको भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन पढ़ना था। तो यहाँ पर हमने लॉज ऑफ एल्जेब्रा देखे सेट्स के, जिसमें आइडेंपोटेंट लॉ देखा, आइडेंटिटी लॉ देखा, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे लॉ हमने प्रूव करके देखे है ना, और इनको हम वेन डायग्राम से इजिली प्रूव भी कर सकते हैं। तो जो छोटे छोटे थे वो मैंने प्रूव करके नहीं बताया, वो आपके लिए छोड़े, जो थोड़े लॉजिकल थे बड़े थे उनको मैंने यहाँ पर वेन डायग्राम की हेल्प से समझाया है। आपको इनको वन बाय वन अच्छे समझना है और लर्न कर लेना है, एक अपने रूम में इसको एक दिन कॉपी पेस्ट कर दो है ना, सुबह शाम उसको उठते हुए देखो तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे। इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया।